हेलो दोस्तों, सो कल मैंने बनाया था पराठे, प्लेन पराठे। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है और ये देखिए इतना सॉफ्ट बना था, कोई भी सब्ज़ी के साथ आप लोग खा सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे मैदा और मैदे में हम लोग डाल देंगे गर्म या ठंडा कोई भी पानी चलेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसमें हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच नमक एंड 1 चम्मच चीनी। फिर उसको हम अच्छी तरह से इसका डो बना लेंगे, ये देखिए, पर ज़्यादा नरम होना चाहिए, याद रखिएगा। एंड उसको हम लोग आधे घंटे तक उसको ढक के रख देंगे। आधे घंटे बाद ये देखिए थोड़ा फूल चुका है। एंड उसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करके फिर से उसको मिक्स कर लेंगे। एंड बस कुछ नहीं करना है, रोटी की तरह उसको बेल लेना है अच्छी तरह से गोल गोल। एंड उसके बाद हम लोग एक तवे में थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल में हम लोग अपनी बनी हुई रोटी पराठा डाल देंगे। और कुछ नहीं करना है, बस उसको उलटना है, पलटना है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत सॉफ्ट होता है और गर्मा गर्म खा के देखिए बहुत अच्छा लगेगा। एंड उसमें नमक और चीनी होने के कारण प्लेन भी इसको बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए बन चुका है मेरा पराठा और साथ में मैंने बनाया था छोले। छोले के साथ खाइए, खा के देखिए, गर्मा गर्म बहुत टेस्ट लगता है एंड इजी भी होता है बनाने में। सो नेक्स्ट आप लोग ये ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। बाय बाय।